करने हैं तेरी कहकशा, ऊंचा रहे तेरा निशान, ऐ किश्वरे हिंदुस्तान, ऐ किश्वरे हिंदुस्तान। लंगे अजंता तुझ में है, हुस्ने लौरा तुझ में है, शान लगौरा तुझ में है, रामेश्वरम की सरजमी, रामेश्वरम की सरजमी, साथी की दुनिया तुझ में है, पन्ना हुनर की आसमां, ऊंचा रहे तेरा निशा, ऐ किश्वरे हिंदुस्तान, ऐ किश्वरे हिंदुस्तान। 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य एक नया दिन लेकर आएगा, कब सूर्य एक नया दिन लेकर आएगा, वो वक्त कब आएगा, वो समय, वो घड़ी आखिर कब आएगी। आज क्यों लोग इतना इंतजार कर रहे थे, क्या इसकी वजह क्या थी, क्या इसके पहले सूर्योदय नहीं होता था, क्या इसके पहले सूर्योदय नहीं होता था, सूर्योदय होता था लेकिन अंधेरा रहता था। ऐ मेरे बाबू, ये चांद ये चमकता हुआ सूरज वही नहीं, ये पहाड़ ये झरने ये नदियाँ वही नहीं, जब सब कुछ वही था फिर क्यों अंधेरा था, क्योंकि लोग खुश नहीं थे, उनकी खुशियों को छीन लिया गया था, उनकी खुशियों को छीन लिया गया था। इसी बात पे एक और मंजर बताता चलता हूँ। एक आदमी रहता है जो बहुत खुश रहता है, सड़क के बीच में से चलता है, बहुत खुश रहता है, बहुत चिल्लाता हुआ चलता है कि मैं आजाद हूँ। तभी एक ट्रैक्टर वाला पीछे से आता है और उसके ऊपर ट्रक को चढ़ा देता है और बोलता है, क्या मैं भी आजाद हूँ, हम आजाद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, इसीलिए तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राजनीतिज्ञों ने स्वनिर्मित भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता का श्री गणेश इसी दिन से हुआ है, इसीलिए तो गणतंत्र एक महान पर्व है, सौगातों की सौगात है, गणतंत्र हमारा महान है। ऐतिहासिक दृष्टि से गणतंत्रता 26 जनवरी का महत्व 1950 से ही स्थापित नहीं होता। भारतीय इतिहास में 26 जनवरी बहुत पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसीलिए गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने से पूर्व यह दिवस प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता था। इतिहास साक्षी है कि 1921 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में वो संपूर्ण देश के लिए स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा की और कहा कि जब तक हमारे देश पर हमारा राज्य नहीं होगा, जब तक हमारा अंग्रेजों से संघर्ष जारी रहेगा। नेहरू ने अधिवेशन में अंग्रेजों को ललकारा था, देश स्वतंत्र कराने के प्रण हम सबको वहां कराया था, आज हमारे बीच ना बापू है ना नेहरू, पर उनकी अमर कीर्ति हम सबको अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती रहेगी। आज देश स्थिरता के दौर से गुजर रहा है, देश की सुरक्षा अखंडता, गणतंत्र की रक्षा के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। देश की समृद्धि और सुरक्षा हमारे दैनिक कार्य